भाई सत्संग तो जीवन का अंग है। राजा परीक्षित ने देखा कि अंदर महल में सप्त धातुओं से बना हुआ पेटी पैक एक मुकुट रखा है। धर्मराज दुष्टर ने कहा था, पुत्र सातवें कमरे को जब खोलोगे तो उसमें पेटी में मुकुट है, उसे कभी मत देखना। कहने का मतलब समझते हैं आप? कहने का मतलब यह है, जो दूसरे की संपत्ति है उस पर नजर नहीं रखनी। दूसरे की संपत्ति पर अगर आपकी नजर पड़ी तो आपका बिना शुरू। आग लग गई अब पूंछ में, चिंगारी लग गई। जिंदगी में दूसरे के महल पर, गाड़ी पर, मकान पर, सुंदरता पर नजर मत डालो। अगर वो सुंदरता तुम्हारी है तो तुम्हारे पास चल के आएगी, अगर वो महल तुम्हारा है वो भी चल के आएगा, वो गाड़ी तुम्हारी है वो भी चल के आएगी। पर राजा परीक्षित को दादा धर्मराज दुष्टर ने कहा कि उस पेटी पर नजर मत डाल देना, उसे खोल मत देना। राजा परीक्षित ने आज अपने दादाजी के मरने के बाद आज्ञा का पालन नहीं किया, तोड़ दी आज्ञा। अरे कौन दादा देख रहे हैं यहाँ, दादा तो कब के मर गए, अब कौन है, मैं अकेला ही हूँ। पेटी का ताला तोड़ दिया और ताले से रखा मुकुट उठाया और अपने माथे पे रख लिया, मुकुट पहन लिया। यहाँ सतगुरु सूत जी कहते हैं सौनक ऋषि से, वो जो मुकुट था भीम के द्वारा लाया गया था, भीम ने उसे युद्ध के मैदान से जरासंध को मारकर चुराया था और वो पेटी में लाके रख दिया था। वो चोरी का धन था, चोरी का धन जब माथे में चला जाता है अर्थात बुद्धि में उतर जाता है तो फिर विनाश पूरा तैयार हो जाता है, बुद्धि फिर पाप ही पाप करती है। ये रिश्वत का धन क्या है, चोरी का धन है, बेईमानी का धन क्या है, चोरी का धन है, और ये बुद्धि में घुसा रहता है। देखने में ऐसा लगता है कि हम धन बढ़ा रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है कि हम इतने करोड़ों के मालिक हो गए हैं, पर उतनी ही अशांति अशांति अशांति। जैसे एक तरफ धन बढ़ रहा है, एक तरफ चिंता बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, क्लेश बढ़ रहा है और परिवार के रिश्ते टूट रहे टूट रहे टूट रहे। ये क्या है, क्या है ये? हर समय धन की सोच जो रखता है वो अपनी शांति स्वयं ही खत्म कर लेता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ ना। गोता लगाइए, गोता। सत्संग की गंगा बह रही है, गोता लगाइए, शांति ही शांति आएगी। अच्छा बताओ, इस समय आप में से किस आदमी की जेब में 5,000 रुपए रखे, बता? नहीं है, नहीं है। फिर भी शांति की कोई कमी नहीं है। कारण, कारण क्या है बताऊं? कारण यह है, मई और जून की कड़ाके की गर्मी भी सूरज चाहे धरती के समस्त वृक्षों को जला रहा है, अगर उस समय भी कोई पानी में अंदर डूबक लगाता है तो सूरज की गर्मी टच नहीं कर सकती है। ये है शांति। हाँ? आप सत्संग की गंगा में गोता लगाइए, फिर दुनिया की कोई भी तकलीफ आपको सता नहीं सकती है। इसीलिए हमारे राम जी सत्संग सुनते हैं, हमारे कृष्ण जी सत्संग सुनते हैं, सूत जी ने सत्संग सुना, 88,000 ऋषि मुनि सत्संग सुनते हैं, और मैं तो 24 घंटे सत्संग में ही रहता हूँ। मैं आपसे बात करूँ चाहे किसी और से बात करूँ, पर मैं तो शास्त्र की ही बात करता रहता हूँ और वही सुनता। क्यों? कदम वेदम मनुष्यातानम। आप ये मत समझना कि मैं सत्संग किससे सुनता हूं, सत्संग सुनने के लिए मेरे पास में 33 करोड़ देवता हैं। मुझे जिसका अच्छा लगता है उसका सुनने लग जाता हूं और सबका सुनता हूं। पर याद रखिए, आपके पास में भी 33 करोड़ देवता वक्ता बनकर बैठे, तुम्हारे पेट में सूर्य नारायण, गौकर्ण महाराज को
गौकर्ण महाराज को अपने भाई की आत्म शांति के लिए कोई वक्ता नहीं मिला। गौकर्ण के भाई जो है दुंदकारी पाप करके मर गए तो पिशाच बन गए, प्रेत योनि में चले गए। और प्रेत योनि से मुक्त होने का मार्ग क्या है तो कहीं मिलता नहीं है। अशांति, आत्म शांति के लिए कथा की, वक्ता नहीं मिले। बृहस्पति जैसे गुरु भी फेल हो गए, तब भास्कर भगवान सूर्य नारायण ने गौकर्ण महाराज को उपाय बताया। ये भागवत का महत्तम है। ये द्वंदकारी जैसी प्रेत आत्मा की शांति के लिए गौकर्ण महाराज ने बृहस्पति के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। और कहां से ज्ञान मिला तो कहां, सूर्य नारायण से। आंखों के ऊपर जो खाली जगह है ना, आंखों के ऊपर जो खाली जगह है इसको ही सूर्य नारायण कहते हैं हम लोग शास्त्र में। ये ललाट ही सूर्य है, इसीलिए लोग कहते हैं जिनके शरीर में ब्रह्मचर्य पक्का होता है उनका ललाट चमकता है, उनका माथा चमकता है। क्यों? ये सूर्य है, यहां अग्नि जागृत हो जाती है, तेज जगता है। हाँ, अविलंब कपोल ललाट ये सुंदरता से भर जाते हैं। सदगुरु सूत जी ने शौनक ऋषि को कहा कि 33 करोड़ देवताओं में इंद्र है और कुबेर हैं, यमदूत यमराज हैं, पृथ्वी आकाश वायु हैं। प्यारे भाइयों बहनों, अपनी जिंदगी को गति देने की कथा सुननी है तो वायु देवता का ध्यान करो। वो अपने आप तुम्हें मार्ग दिखाएगा कि आदमी जल्दी से यात्रा कैसे करता है, जल्दी से बड़ा कैसे होता है। बड़ा होने के बाद आदमी बर्बाद ना हो ऐसा ज्ञान लेना है तो आकाश का ध्यान करो। आकाश देवता प्रकट होंगे और वो तुम्हें ज्ञान दिखाएंगे। सारी दुनिया को मुट्ठी में बंद करने का ज्ञान लेना है तो पृथ्वी माता का ध्यान करो, वो तुम्हें ज्ञान दिखाएगी। सबको सुंदर बनाना है तो अग्निदेव का ध्यान करो, वो बताएगा तो सुंदर कैसे होते हैं। इस दुनिया को सुंदर बनाने का काम अग्नि करती है, सबको चलाने का काम हवा करती है, सबको रोकने ठहराने का काम पृथ्वी करती है, और सबके ऊपर छत्र का काम आकाश करता है। और ये 4-5 देवता तो हमारे साथ में हर समय रहते हैं, क्योंकि इन 5 देवताओं ने ही मिलकर इस काया को, इस शरीर को बनाया है। ये तो कभी हमसे दूर है ही नहीं। और 5 देवता जो तुम्हारे साथ हैं उनसे कभी भी आप सत्संग कर सकते हैं सोते जागते। आपको ज्यादा इधर उधर सत्संग ढूंढने की जरूरत नहीं है, पर केवल आपको अपने दिल में वो भाव पैदा करना पड़ेगा। आपके दिल में भाव नहीं है इसीलिए आपको सत्संग नहीं मिलता है, और आपको सत्संग की याचना करनी पड़ती है। और आपके सत्संग जीवन में रह के भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके जीवन में दुर्भाग्य ने जगह कर ली है, फूटी किस्मत ने जगह कर ली है, पाप का समय चल रहा है, दुख का समय चल रहा है, क्लेश का समय चल रहा है। मतलब यह है कि कलयुग आकर खड़ा हो गया है, तुम्हें आने नहीं दे रहा है और कथा सुनने नहीं दे रहा है। कलयुग आ गया मतलब यह है जब प्रपंच आदमी के आड़े आ जाते हैं। प्रपंच काम, आज ये काम था मैं नहीं आ पाया, आज वो काम था, ये क्या है, ये कलयुग का प्रभाव है, पाप का प्रभाव है। और ऐसे काम से व्यक्ति अपने आप ही संचित पुण्य से रुक जाता है, वो पुण्य फिरी का उसे मिलेगा ही नहीं। एक आदमी कथा में बैठा यहां पर जो 1900 किलोमीटर से आया है, और एक आदमी ऐसा है जो यहां से 1900 मीटर भी दूर बैठ करके कथा नहीं सुन पा रहा है। कई लोग आश्रम के परिसर में हैं पर कथा के पंडाल में नहीं। हाँ, कारण पतंग जितनी ऊंची जाती है धागा भी उतना ही छोड़ना पड़ता है। हाँ, जिनके भाग में जितनी लंबी रस्सी है उतनी ही उन्हें सुख समृद्धि याचनाएं मिलेंगी। पुण्य चाहे 1 फुट का है तो 1 फुट का सेवा मिलेगी, 2 फुट का है तो 2 फुट का मिलेगा। पर आकाश बादलों तक पतंग पहुंचाना है तो डोरी बड़ी चाहिए, पुण्य का खजाना बड़ा होना चाहिए।
क्या करना चाहिए अब? हाँ, राम नाम गंगा सहज बही जाए, और या में कोई कोई नहाए, 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 राम नाम गंगा सहज बही जाए, राम नाम गंगा सहज बही जाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई शिवजी के सर पर। ब्रह्मा कैसे नहाए गंगा में? ऐसे विष्णु कैसे नहाए? पैर धो लिए घुटने तक, विष्णु के पैरों में गंगा, और शिवजी ने गंगा में, शिवजी नहाए या में गोता लगाए, शिवजी नहाए या में गोता लगाए, सहज बही जाए, सहज बही जाए, कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई बुजुर्ग पीछे बैठे हैं। मरने के बाद में हड्डियां गंगा में जाएंगी, उससे अच्छा है कि आज ही नहा लो। अरे खड़े होके कूद पड़ो गंगा में। भक्त नहाए भगवंत नहाए, भक्त नहाए भगवंत नहाए, भक्त नहाए भगवंत नहाए, भगवंत नहाए, ओ सतगुरु नहाए या में गोता लगाए, सतगुरु नहाए या में गोता लगाए, कोई
इधर लगा दे कैमरा छोरा। अभी हमारे वृद्धाश्रम की बुढ़ियाओं को गंगा में नहलाओ। हाँ भाई इनको खड़ी करो। अरे पीछे वालों पाटिल लोगों हाथ ऊपर। ध्रुव नहाए प्रहलाद नहाए, ध्रुव नहाए प्रहलाद नहाए, नारद नहाए डुबकी लगाए, नारद नहाए परीक्षित को लगता है यह सौभाग्य नहीं मिला। राजा परीक्षित के पितृ पूर्वज गंगा की यात्रा करके भगवान स्वर्ग में चले गए, पर आज राजा परीक्षित को यह सौभाग्य नहीं मिला। उन्हें धन संपत्ति वैभव तो मिला,
प्यारी बहनों भाइयों, राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट धारण किया है कि राजा की बुद्धि कुंठित होगी। राजा के मन में अचानक हिंसा जाग गई, राजा हिंसावादी हो गए। राजा ने घोड़ा निकालकर घोड़े पर सवारी कर ली, हाथ में तलवार ली, राजा जंगल में निकल पड़े। राजा परीक्षित के मन में ऐसा कभी नहीं आया था जो आज आया। प्यारे भाइयों, हस्तिनापुर में पांडवों के वंश में कृष्ण अर्थात वैष्णव की पूजा होती है। भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन होता है, पर उसी वंश में कभी कभी बुद्धि बिगड़ जाए नाती पोते की, तब वो शिकार खेलने की आदत बनाते हैं। आज राजा परीक्षित के मन में भी शिकार की आदत आई, इच्छा आई और घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने के लिए चल पड़े। राजा परीक्षित दिन भर शिकार ढूंढते हैं, प्रहराद पहरम राजा परीक्षित के सारे निशाने परछाइयों में जा जाके खत्म हो जाते हैं, पर शिकार नहीं मरता। राजा परीक्षित आज हिरण का शिकार करना चाहते थे। आप जानते हैं कि हिरण को मारने से जेल होती है, कानूनन अपराध है। यानी कानून के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हिरण को गाय से ज्यादा महत्व दिया गया है। गाय को मारने वाले को कुछ जेल नहीं हो रही है, गायों को काटने बेचने वालों को जेल नहीं है और हिरण को मारने वाले को कानूनन जेल है। हंस को मारने वाले को जेल नहीं है पर मोर को मारने वाले को जेल है। बैल को मारने वाले को जेल नहीं है पर शेर को मारने वाले को जेल है। कानून किसने बनाया है, कैसा है ये पता नहीं है, अच्छा है या बुरा है पता नहीं है, पर देखने में कुछ अद्भुत लगता है। जो जीवित आदमी को खा जाए उसे शेर कहते हैं। कितनी भी बड़ी हानि समाज की हो सकती है शेर की वजह से। जीव है, भगवान का भेजा हुआ है, भगवान ने बनाया है तो उसका भी कोई कारण होगा, कोई जरूरत होगी सृष्टि को। पर भाई बहनों मैं इतना कहता हूं कि शेर को मारने की सजा है, हर चीज की सजा है, तो गाय के लिए भी कोई ना कोई ऐसा प्रावधान अच्छा बनना चाहिए तो उसका भी प्रावधान बने। तो मैं कह रहा हूं गाय को मारने वाले को जब सजा का प्रावधान होगा तो कोई भी हिंदू गाय बेचेगा ही नहीं, अपने घर पर ही उसे मरने देगा। फिर हम किसी कसाई को गाली क्यों देंगे, हमें कट्टी खाने बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब गाय हम मंडी में ले नहीं जाएंगे तो कसाई ले कहां से जाएगा। काटने वाला भले ही मुसलमान हो सकता है पर बेचने वाला तो हिंदू ही है। सामंजस्य समझौता करो धर्म के साथ में। कानून तो वैसे धीरे धीरे मुझे लगता है बन रहा है गौ माता के लिए, जहां सेवा हो सके वहां गाय पालें। आप कम पड़ते हैं तो किसी का हाथ जोड़ो पैर जोड़ो, जिनके यहां पे सुविधा है साधन है गाय वहां पहुंचाएं, वहां सेवा दें। गाय जंगल में रहे फर्क नहीं पड़ता, गाय के लिए बड़ा महल हो ऐसी जरूरत नहीं, गाय जंगल में रहे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाय को पास में समस्त समर्थ शक्ति सामर्थ है। पानी से लेकर के हवा से लेकर के धूप से लेकर गौ माता हर चीज को पचा सकती है, सहन कर सकती है। इसलिए ज्यादातर गाय जंगल में ही रहती हैं, चौड़े में रहती हैं, पर उनके पास सामर्थ्य है प्रकृति का दर्द सहने का।
हमारे पास में चारा नहीं है, हम बेच दें, कटवा दें, मरवा दें, ये साधन नहीं है गाय का। हमारे पास चारा नहीं है, जहाँ चारा है, जंगल है, वहां पर कोई ना कोई तो रहता है, वहां पर पैर हाथ जोड़ो, मदद मांगो, सेवा कर लो। भगवान कृष्ण को देखो गाय के साथ खड़े, भगवान शिव को देखो बैल के साथ खड़े। भगवान कृष्ण का शेर के साथ फोटो नहीं है, भगवान शिव जी का भी वो सब नहीं है। अब आप देख लो, क्योंकि जो स्वयं में सवा शेर हैं, वो शेर का क्या फोटो करवाएंगे, वो तो स्वयं ही सवा शेर हैं। शेर जंगल का राजा रहता है, भगवान तो सारी सृष्टि का राजा है। पूरा दिन बीत गया, परीक्षित को आज अपने काम में सफलता नहीं मिली। और यहां पर सूत जी ने सौनक ऋषि को कहा, तत्पम पितृ भूतानम पितृयोगो समागतः। हे सौनक जी, आज दिन भर राजा परीक्षित पाप ही पाप कर रहा है, पर पाप हो नहीं रहा है। सुनिए, जिनके माता पिता पवित्र, जिनके माता पिता पवित्र धन संपत्ति छोड़ के जाते हैं, उनकी औलाद बाद में पाप करना चाहे तो भी पाप नहीं कर पाती है। भगवान उनका साथ देता है, पितरों का पुण्य उनके साथ रहता है, पितरों का पुण्य उनके साथ रहता है। अगर हमारे पितरों ने, माता पिता ने धर्म कर्म जान यज्ञ पूजा पाठ किए हैं, तो जरूर हमारे बच्चों को उसका फल मिलेगा, उसका लाभ। माता पिता की संपत्ति बेटा बेटी को मिलती है, तो उनके कर्मों का थोड़ा फल भी बेटा बेटी को प्राप्त है, उपलब्ध है। अपने पुत्रों के भले के लिए माता अदिति ने व्रत किया था, और अपने व्रत के पुण्य से अपने पुत्रों का भला करके उन्हें स्वर्ग वापस दिलवा दिया भगवान से। माँ बाप के पास में इतना बड़ा दयापान कृति भगवान ने उनको वो बख्शा है, हुनर, अपना पुण्य दान कर सकते औलाद को। इसीलिए आज तक तुमने कहीं लिखा नहीं देखा गया पुत्र की पुण्याई, जहां भी लिखा होगा वहां लिखा होगा पितरों की पुण्याई। आपने किसी भी श्लोक में नहीं देखा होगा कि बेटी की पुण्याई, जहां भी लिखा है वहां पर यही होता है। पर याद रखो, पितरों की पुण्याई हमारे साथ रहे ये हमारा भाग्य है, पर हमारे सत्कर्म से हमारे पितरों का कल्याण हो ये हमारा कर्तव्य है। भाग्य अलग होता है और कर्तव्य अलग होता है। हमारे भाग्य से हमारे पूर्वजों का जो लाभ हमें मिले लो लो, पर हमारा कर्तव्य भी हमें पूरा करना है, हमारे पितृजनों का उद्धार करना है, उनका कल्याण करना है। कैसे होगा? पितरों का कल्याण होता है पुत्र की श्रेष्ठ कमाई से। कमाई क्या है? जिनके पुत्र पुत्रियां सुबह प्रार्थना करके भगवान की उठते हैं बिस्तर से, भगवान का नाम लेकर काम शुरू करते हैं, भोजन करते हैं, भगवान का नाम लेकर घर से निकलते हैं, जिनसे हमें रोटी मिलती है, रोजी मिलती है, उन्हें हम देवता की तरह सम्मान करते हैं, ग्राहक को काटने की इच्छा नहीं रखते हैं, उनके साथ बेईमानी नहीं करना चाहते हैं, ऐसे पुत्र पुत्रियों के कर्म से ही पितरों का स्वयं उद्धार हो जाता है, पितर तर जाते हैं। पितरों की पुण्याई यही है कि हमें शरीर मिला है मनुष्य का। बैल कितना भी जोरदार हो, पर पितरों की पुण्याई उसके साथ नहीं है। भैंस चाहे जितना भी दूध देने वाली हो, पर उसके साथ पितरों की पुण्याई नहीं है। शेर जंगल का राजा है, पर उसके साथ भी पितरों की पुण्याई नहीं है। जिसने मानव का शरीर लिया है, उसके साथ पितरों की पुण्याई होती है। बिना पूर्वजों की पुण्याई की कोई मनुष्य अवतार नहीं लेता। याद रखो,
चंद्रमा के साथ में, सूर्य के साथ में, पृथ्वी के साथ में, हवा के साथ में पितरों की पुण्याई नहीं है। इसीलिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये सब भगवान के पास में जाके रोज रोते हैं शाम को, एक बार तो हमें मनुष्य बनाओ, एक बार तो बनाओ। पर भगवान इन देवताओं को मनुष्य बनाता नहीं है, जब जब बनना है भगवान स्वयं मनुष्य बन के आते हैं, पर कभी भी सूर्य को मनुष्य नहीं बनाते, क्योंकि इनके साथ पितरों की पुण्याई नहीं है, आपके साथ है। और उस पुण्याई का फायदा ये उठाइए कि उस पुण्याई से हमें चाहिए कि जैसे पितरों की पुण्याई से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, दान करने के लिए, सेवा करने के लिए, ऐसे ही हमारी औलाद को हमारा पुण्य प्राप्त होवे, वो भी भजन करे, ध्यान करे, यज्ञ करे, दान करे। यज्ञ दान पूजा सेवा करने वाली औलाद निरंतर पैदा घर में होती रहे तो आपका पुण्य माना जाएगा, आपका सत्य माना जाएगा, आपका लोभन माना जाएगा। आपके घर में ही आपके पेट से निकली हुई बेटी बेटा अगर आपका दुराचारी, गुंडा, लुच्चा, लफंगा है तो समझ लेना चाहिए कि आपने सत्कर्म नहीं किया है, आपने सींचा नहीं है, फुलवाड़ी की रखवाली नहीं की है। आपने पेड़ तो लगाया है पर नादानी में, अंधेरे में लगा दिया है, बबूल का लगा दिया पेड़ का समझकर। इसीलिए आम का समझकर बबूल लग गया, आम का समझकर बबूल लगाने से आम कभी पैदा हो सकते नहीं है। इसलिए अंधेरे में नहीं लगाइए, ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, संस्कार पूर्वक, चिंतन पूर्वक, सोच पूर्वक, गुरु की आज्ञा पूर्वक, भगवान की इच्छा पूर्वक जब हम बच्चे का निर्माण करते हैं तो हमारे घर में फिर आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं। राजा परीक्षित को सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा दुखदाई होता है, अंधेरा हो गया राजा परीक्षित के जीवन में, सूर्य अस्त हो गया। प्यारे भाइयों बहनों, एक बात बहुत अच्छी सिखाना चाहता हूं आज आपको। कौन सी बात है? जब सूर्य उदय होता है उस समय बुद्धि ज्यादा काम करती है, और जब सूर्य अस्त होने पर जाता है तो बुद्धि अपने आप ढीली पड़ जाती है। क्यों? कारण क्या है? ये विज्ञान है। ये बुद्धि जो है, ये मैंने पहले कह दिया, ये सूर्य का अलंकृत ये अंश है, सूर्य का अंश है। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है बुद्धि वैसे वैसे सोती जाती है, खत्म होती जाती है। इसीलिए सोते समय का कोई भी काम, कोई भी पढ़ाई लिखाई कभी भी बुद्धि में नहीं रहती है। बुद्धि में कब रहती है पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, सत्संग? जब वो सूर्य उदय होते हुए प्रवेश करे हमारी खोपड़ी में, बुद्धि में। याद रखिए, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न है? किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि फांसी की सजा जब होती है तो सुबह 4 बजे ही फांसी क्यों दी जाती है? और मैं आपको बताना नहीं चाहता नाम वगैरह, यह प्रश्न कल ही आया मोबाइल पर। प्रश्न 3 है, उत्तर उन्होंने मांगा, मैंने उनको उत्तर दिया नहीं मोबाइल पे, क्योंकि मुझे वो देना नहीं आता है। आपको मैं प्रश्न उत्तर दोनों देना चाहता हूं। जिसने ज्यादा पाप किया होगा फांसी की सजा उसी को होती है। हमारा संविधान कहता है कि पाप हो गया, गलती हो गई और सजा भी मिल गई। अब सजा मिलने के बाद, कहने का मतलब है पापों का परिणाम है फांसी की मृत्यु, यहां खत्म हो गया सब खेल। अब संविधान कहता है, शास्त्र कहता है कि फांसी के बाद में इस पापी को जो अकाल मृत्यु आई है, फांसी जो लगी, अकाल, बदनामी जो हुई है, उस बदनामी का ये शिकार और बाद में ना होवे। मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा कभी नहीं मरते हैं। इसीलिए सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उसकी दुष्ट बुद्धि में अगर सूर्य नारायण प्रवेश हो जाए तो उसे अगला जन्म सद्बुद्धि का प्रदान हो जाएगा। इसीलिए उस पापी को सुबह ब्रह्म काल में देवताओं की साक्षी में मृत्यु दंड दिया जाता है, जिससे उसका आगे का जन्म ऐसे दुष्ट कर्म ना करे।
हमारी और तुम्हारी मरने की कोई समय फिक्स नहीं है, भगवान जब चाहेंगे तब। पर ये फांसी वाले का समय फिक्स तो हम और आप ही करते हैं, इसे अकाल मृत्यु कहते हैं, पाप मृत्यु। मरने के बाद इसे दूसरा जब शरीर मिले, चाहे शरीर भैंस बकरी जिसका भी हो, पर बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए ब्रह्म बुद्धिम तदा वेदम, बुद्धि नहीं मरती है, ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धि ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाती है। याद रखो, जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग शराब की बोतल की तरफ बढ़ते हैं। 4 बजे सुबह शराब पीने वाले नहीं रहते, 24 घंटे शराब में धुत रहने वाले भी 4 बजे नहीं पी सकते। ब्रह्म काल ब्रह्म बुद्धि है, उस समय तो केवल भगवान ही भगवान याद आता है, बस अच्छी निद्रा, अच्छा सुख, अमृत बरसता है। उस समय पाप हो ही नहीं सकता, 4 बजे पाप नहीं हो सकता। सूर्य अस्त होता जाएगा और पाप की योजनाएं बनने लगती हैं। राजा परीक्षित के जीवन में सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा हो गया है, राजा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। घोड़ा से उतर पड़े और राजा को जोर से प्यास लगने लगी। रात के अंधेरे में तालाब भी नहीं दिखता है। पूरा दिन निकल गया राजा का पाप के पीछे भागते भागते, इसीलिए पूरी बुद्धि जो है पापी हो गई है, इसीलिए अब कंठ सूख गया, जीभा सूख गई। राजा पानी पानी चिल्लाते हैं पर अब पानी देने वाला राजा को कोई मिलता नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा अवसर आपके जीवन में कभी नहीं आना चाहिए कि पानी देने वाला ना हो। राम के पिता दशरथ की ऐसी मृत्यु आई कि पानी देने वाला नहीं था, भगवान के पिता को पानी देने वाला नहीं था। क्यों? भगवान के पिता चाहे जो भी हैं, पर कर्मों का फल सबको ही भोगना पड़ता है। 3 दिन तक मरे हुए दशरथ पड़े रहे पर कोई चिता को अग्नि देने वाला नहीं था। 4-4 महापुरुष पुत्र और चारों के चारों बेटा ही धर्मात्मा, पर पिता को अग्नि देने के लिए कोई हाजिर नहीं है। कारण कोई ना कोई पाप राजा दशरथ के सामने आकर खड़ा है, उसकी वजह से भगवान के हाथों से उन्हें संस्कार नहीं मिला। नहीं तो पापा को जलाने का अधिकार बड़े पुत्र को होता है, राम जी को था, पर राम के हाथों से शरीर भस्म हो जाए यह सौभाग्य किसी को मिलेगा तो बिरले को मिलेगा। मिल गया किसको? गीदराज जटायु को मिल गया। जटायु गीदराज को मिल गया है। क्यों मिल गया? क्योंकि मैंने आज प्रवचन के पहले ही कह दिया, यस्त्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जो नारी की पूजा कर रहा है, नारी की जो रक्षा कर रहा है, वो जटायु है। सीता को रावण से बचाने का प्रयत्न किया, इसीलिए राम जी ने उसका उद्धार कर दिया महाराज। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ रानी का सम्मान हुआ कि अपमान हुआ, वो आप समझ लें। विहताम कथा दर्शनम। परसों कहा था मैंने केके को कलंक लग गया। जंगल में घूमते घूमते राजा को एक पर्णकुटी का दर्शन हुआ। दरवाजा खुला था क्योंकि जंगल में कलयुग नहीं होता। कलयुग कहां होता है? कलयुग वहां होता है जहां चौखट बनाई जाती है। चौखट अगर चौखट में से चौ को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? खट। चौखट, चौखट क्या होती है? चौखट कहते हैं
बंधन को, चौखट माने बंधन, जो बांधने का काम करती हो उसे चौखट कहते हैं। चौखट क्या बांधती है? चौखट घर को बांध लेती है। एक दरवाजा घर का होता है मेन दरवाजा, आप खाली चौखट पे दरवाजा लगा दो और कड़ी भर दो, पूरा घर बंद, बांधने का काम करती है चौखट। और जहां बांधने का काम होता है वही कलयुग भी रहता है, कलेश भी वही रहता है। जहां आजाद वहां पर कलयुग रहता है। हनुमान जी के मंदिर में चौखट नहीं हुआ करती है और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? हनुमान जी के पास में कलयुग आता नहीं है। इसीलिए लोग कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। पर आज कलयुग के भक्तों ने हनुमान को भी चौखट लगा दी है। अब बताओ, शेर को भी बंद कर दिया तिजोरी में, शेर को, जंगल का राजा। अब इस शेर को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो बकरी और शेर में कोई फर्क रहता नहीं है, ऐसी बात है। इसीलिए ये मनुष्य अपने मन के कानून बनाता है, इसको न धर्म का ज्ञान है न सिद्धांत का, ये न जाने कौन कौन से आकर्षण तैयार करता है। प्यारे भाइयों बहनों, जिनको घर के अंदर रहने की आदत रहती है वो राम की सेवा जंगल में कैसे कर सकते हैं? हनुमान ने तो राम की सेवा जंगल में की है। आप बताइए, इसीलिए तो राम जी को हनुमान प्रिय है। आप भी अपने बारे में सोचिए। आज राजा परीक्षित ने पानी की आवाज दी कुटिया पर जाकर, ए बाबा पानी पिलाओ। बहुत प्यासा हूं, सुबह से पानी नहीं मिला है और जिस लक्ष्य को लेकर आया था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए हे बाबा मुझे पानी पिलाओ। शास्त्र कहता है, कांटा किसी को मत लगा, कांटा बहुत छोटा होता है पर कांटा छोटा जब पैर में घुसता है तो भट्टी से भी ज्यादा मुंह फट जाता है ऊपर से। कांटा किसी को मत लगा, और क्यों मिसले गुल फूला है तू, तेरे बस में तीर है किस बात पे भूला है तू। कांटे की बराबर भी आप किसी को दर्द मत, पीड़ा मत दीजिए, मत सताइए, नहीं तो तुम्हें तीर से भी ज्यादा घाव सहन करना पड़ेगा। आज धनुष बाण चढ़ाकर जिस हिरण को तकलीफ दी राजा ने, आज उस हिरण का दिल दुखाने वाला राजा खुद रो रहा है पर आंसू पहुंचने वाला नहीं, कोई नहीं है। कौन सा राजा है? चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर बैठा राजा, जिसके लाखों सैनिक हैं, हजारों घोड़े हाथी हैं, पहरेदार द्वारपाल हैं, पर आज कोई नहीं है कि चुल्लू पानी पिला सके। आप जानते हैं, भगवान अगर चाहे, जिस अर्जुन ने भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को भस्म कर दिया अर्जुन के बाणों ने, आज वही अर्जुन गोपियों ने अर्थात भीलनियों ने लूट लिया, भील की औरतों ने लूट लिया अर्जुन को। भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन की परीक्षा ली, कहा अर्जुन द्वारका से इन गोपियों को गोकुल पहुंचा के आओ। द्वारका से गोपियों को लेकर के अर्जुन वृंदावन जा रहे हैं। भगवान ने ऐसी लीला की कि भीलों ने अर्जुन को पकड़ लिया और सारी गोपियां छिना ली। अर्जुन मुंह फाड़ के रह गए। यहां पर भागवत कहती है, अर्जुन भी वही है, बाण और धनुष भी वही हैं,
पर अर्जुन की एक नहीं चली। क्यों क्यों नहीं चली बताओ? अर्जुन ने महाभारत भी नहीं जीता। जिस समय अर्जुन के बाण काम कर रहे थे उस समय भगवान कृष्ण जी बाणों में बैठ करके यात्रा कर रहे थे। आज भगवान द्वारका में है, अर्जुन अकेला है, इसीलिए उसे औरतों ने ही लूट लिया जंगल में भील गोपियों ने। फिनाली आपके बारे में आपको समझाने के लिए मैंने याद करवाया है आपको, जिनके साथ भगवान नहीं रहते उनकी मदद करने वाले उनके ही बॉडीगार्ड नहीं रहते। भगवान जब अपना हस्त हटा लेता है तो अंग रक्षक है वही भक्षक बन जाते हैं। ये 6-7 गन वाले घूमते हैं कि नहीं? भगवान जब कृपा हटा लेता है तो वही अपनी गन से भू 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 कर देते हैं नेताजी को। इसीलिए आप गनमैन रखो, गार्ड रखो, क्योंकि कुत्ते बिल्ली से कम ये बंदूक वाले बचा ही लेते हैं, क्योंकि मृत्यु से तो जगत में कोई बचाने वाला हाँ, पर ये बंदूक संदूक से आदमी थोड़ा भयभीत हो जाता है तो ये पागल लोग बचा लेते, पागलपन से बच जाते हैं, हिंसकता से बच जाते हैं। पर याद रखिए, अगर तुम्हें मृत्यु नहीं चाहिए तो डोर हमेशा भगवान की पकड़ के रखिए, गार्ड रहे, सिक्योरिटी रहे, बुलेट प्रूफ गाड़ी रहे, फिर भी राम नाम मन में चलने दो चलने दो चलने दो। याद रखिए, दुनिया में कोई भी यंत्र तंत्र ऐसा नहीं है जो भगवान से तुम्हें बचा सके, कर्म के फल से बचा सके। इसीलिए प्यारी बहनों और बंधुओं, आज राजा परीक्षित का इतना बड़ा हाल हो गया कि पानी पीने को नहीं मिलता, कंठ सूख गया, जीभा सूख गई राजा परीक्षित की, और बंद बूंदरा दिखने लगा आंखों से, सही नहीं दिख रहा है। पत्थर को इंसान मान रहे हैं, मरे को जिंदा मान रहा है। आदमी की बुद्धि में जब भ्रम आ जाए तो रस्सी सांप दिखती है और सांप रस्सी दिखता है। कैसे? ऐसे ही तुलसीदास महाराज की भी कथा ऐसी ही बताई है, बुद्धि में वासना बैठ गई तो सांप की पूंछ पकड़ के चढ़ गए पत्नी से मिलने के लिए अटरिया पे। आपको पता है गांव खेड़ों में घर के पिछवाड़े लौकी बो देते हैं भोपला, और वो भोपला की बेल दीवाल पे चढ़ जावे और बेल के सहारे सहारे सांप भी चढ़ जाता है। ऐसा ही हुआ था कहां? तुलसीदास जी की ससुराल में, पीछे बेल और बेल में ही चढ़ गया सांप। और तुलसीदास की नई नई शादी हुई, पत्नी 6-7 दिन रह के गई। अब तुलसीदास जी को पत्नी तो विदा हो गई, पर अब पत्नी के बगैर अच्छा कहां लगता नए लड़के को? पहले मोबाइल तो थे नहीं, पर बात यह है तुलसीदास और उनकी ससुराल में बहुत फर्क नहीं था। नदी के इस ओर गांव था तुलसीदास जी का और उस पार नदी के उनकी ससुराल थी। बड़ी अच्छी कथा है, उनका अच्छा इतिहास है। कहते हैं रात के अंधेरे में मरे हुए डेड बॉडी को उन्होंने नाव समझ लिया और मरी बॉडी पर बैठ के उस पार निकल गए और फिर सांप पकड़ के चढ़ गए बीबी के लिए। यानी आदमी को औरत का भूत जब चढ़ जाता है तो वो जिंदा मरा कुछ भी देखता नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ, सुनिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप अकेले मरे हुए आदमी के ऊपर बैठ सकते हैं क्या? चाहे तुम्हारा नजदीक में देवर मर गया और तुम्हें घणो प्यार करे हो, तुम्हें बहुत चाहता था, पर मरने के बाद अगर कोई कहे कि आप अकेले इस पर बैठ जाएं तो कठिन काम है।
फट जाएगी छाती, दिल घबरा जाएगा, अटैक आ जाएगा। पर आदमी जब कामना में वासना में डूबता है उस समय उसे सच में कुछ नहीं दिखता। आज ऐसा ही राजा परीक्षित को हो गया है। वातस्तृष्णां तदं प्यासा, राजा को ऐसी प्यास ने सताया है कि राजा प्यास में व्याकुल हो गए, बुद्धि कमजोर हो गई, विचार खत्म हो गए। राजा ने देखा कि कुटिया के अंदर एक व्यक्ति बैठा है। कौन है वो? तो भागवत में कहा शमको विशित ऋषिनाम, सृंगी ऋषि के पिता शमक ऋषि। कुटिया में बहुत साल पहले मृत्यु हो चुकी थी उनकी। पिता ने वहां समाधि धारण कर ली, समाधि। और जो जीवित ही मिट्टी में चले जाते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। जीवित आप जीवित हैं और पलाटी मारकर गुफा में बैठ जाओ, आपके प्राण भी अगर चले गए, आपका शरीर खाली रह जाए, फिर भी आपका तेज खत्म नहीं होगा। समाधि की महिमा है। शमक ऋषि नहीं थे, उनका तेज झलक रहा था मूर्ति से। बस रात के अंधेरे में राजा ने सोचा महात्मा है, पानी मांगा, पानी नहीं दिया। राजा की बुद्धि कुंठित हो गई है, आज दिन भर पाप की युक्ति हो गई है। दिन भर पाप नहीं हुआ, आज जैसे सूर्य अस्त हुआ बुद्धि मंदी परी कि पाप हो गया। बुद्धि जब काम करना बंद करती है तब ही पाप आ सकता है। बुरी चीजों को रोकने के लिए ही बुद्धि दी है भगवान ने हमको, ये सोचो आप। बुरी चीज पाप रोकने के लिए बुद्धि है, पर बुद्धि ही जब सो जाती है तो पाप हो जाता है। राजा की बुद्धि थक गई थी ना, राजा की बुद्धि मलिन हो गई थी, मलिन थक गई थी, इसीलिए चिंतन खत्म हो गया। राजा ने क्रोध कर लिया और क्रोध करके कहा कि बाबा साधु होके भी तू दया नहीं कर रहा है, प्यासे को पानी नहीं पिला रहा है, तो साधु होने का क्या अर्थ है? वास्तव में साधु समाधि में थे, और जब कोई समाधि में होता है तो भगवान को भी पानी नहीं पिलाने का अधिकार है। ये तो मनुष्य है, भगवान भी स्वयं आ जाए तो भी हमें भगवान के लिए आंखें नहीं खोलनी चाहिए, समाधि का ये धर्म है। राजा ने साधु का अपमान किया। कैसे? सूत जी ने सौनक जी को कहा कि मरा हुआ सर्प उठाया और शमक ऋषि के गले में पहना दिया। आप समझ लें, किसी के ऊपर चप्पल फेंकना, अंडा फेंकना, मरा हुआ मेंढक फेंकना, ये क्या है? उनका अपमान करना। आज राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप जब साधु की समाधि पर फेंका, उसी समय बादल तड़कने लगे, बिजलियां गरजने लगी, चिंगारियां, राजा को डसने के लिए बिजलियां। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जितनी देर में कोबरा सांप का जहर मारता है उतनी देर में बिजली मारती है, वो भी सांप की तरह आती है। जैसे मरा सांप डाला वहां से सांप नीचे आने लगे। धरती में दरारें आ गई, धरती में दरारें। आप याद रखो, जहां पर निर अपराध जीवों को ज्यादा मारा जाता है धरती वहीं पे फटती है। महाराष्ट्र में धरती क्यों फटती है? क्योंकि यहां बकरे और मछलियों की हत्या ज्यादा की जाती है। बकरे, चलो जहां पर बकरे नहीं मारे जाते वहां धरती सूखा से नहीं फटती, धरती का कलेजा फट गया। क्यों? क्योंकि आज एक पवित्र साधु का अपमान हुआ है। साधु के अपमान से प्रकृति नाराज हो जाती है, धरती नाराज हो गई, बादल नाराज हो गए, और सरताएं क्रोध में आ गईं, नदियां तूफान में आ गईं, जोर से बाढ़ आने लगी नदियों में। कहने का मतलब है साधु के अपमान की वजह से सारी सृष्टि मनुष्य को मारने के लिए आ गई। सारी सृष्टि
मानव जाति को समाप्त करने के लिए अपने अपने वेग में आ गए। बादल टकराने लगे, वर्षा होने लगी, तूफान आने लगे, हवाएं दौड़ने लगी, नहीं छोड़ेंगी ऐसा लगता है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित घबरा गए। श्रृंगी ऋषि अर्थात शमक ऋषि के पुत्र, जिनके गले में मरा हुआ सांप डाला गया है, उनके पुत्र नदी में स्नान कर रहे हैं शाम की वेला में। और उस समय नदी में बाढ़ देखी अचानक बिना बारिश के, तो शमक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने ध्यान किया, ऐसा क्यों हुआ, अचानक बाढ़ कैसे आई? आप जानते हैं, अचानक बादल फटने से केदारनाथ में क्या हो गया था? अचानक बाढ़ कैसे आई यह जब देखा तो ऋषि ने ध्यान किया। उसी समय ऋषि के ध्यान में भगवान आकाशवाणी, आकाश के शब्द गूंजने लगे कि एक राजा ने एक ऋषि का, एक संत का अपमान कर दिया है। उस राजा ने तुम्हारे ही पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, समाधि अपमान किया। राजा ने जल हाथ में लेकर संकल्प करके, आज श्रृंगी ऋषि ने मंत्र पढ़ के जल में मंत्र पढ़ दिया और जल को छिड़क दिया आकाश में और कहा, हे राजा परीक्षित, जो सर्प तूने मरा हुआ समझा है वो सांप इस जल के मंत्र से जिंदा होगा और आज से सातवें दिन वो तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु आएगी। एक साधु का अपमान करने से सात दिन में सांप जैसा अकाल मरण होता है, ऐसा राजा को श्राप दे दिया। राजा घबरा गए, राजा को व्याकुलता हो गई, राजा घबराए और राजा को पसीना छूट गया। राजा परेशान हो गए, क्या करूं, क्या हो गया, ये क्या है? राजा के मरने की सूचना सारे शहर में, सारे नगर में, सारी प्रजा में पहुंच गई। सारी जनता राजा को मिलने के लिए जंगल में पहुंची। अब राजा परीक्षित सात दिन में मरेंगे, ऐसी घोषणा हो गई। और अब तो मिलने वालों की इतनी लंबी लाइन लग गई, इतनी लंबी लाइन कि लाखों लोग जमा हो गए वहां। आप जानते ही हैं ये तो सब बातें, डॉक्टर जिस समय हॉस्पिटल में रिपोर्ट देख करके घोषणा करता है कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और चलेंगे, और वही सूचना टेलीफोन पे सब रिश्तेदारियों में भी कर दी जाती है, ए मौसी पापा के लिए डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है, मौसी उसी समय सब काम छोड़ के 1 किलो सफरजन लेके मामा को देखने पहुंच जाती है। समझ गए महाराज। आज राजा परीक्षित को भी घोषणा हो गई कि 7 दिन में ही मरने वाला है। मामा फूफा चाचा चीची चूचू चाचा सब इकट्ठे हो गए वहां। राजा परीक्षित ने कहा कि अब तो अपने वाले आ गए, अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, मौसी तुम्हारे पास में 5 बेटा हैं, मेरी जगह पर एक दे दो, मुझे जिंदा करवा दो, तुम्हारा एक मर जाएगा, 4 बचेंगे, मैं अकेला ही हूं। मौसी ने कहा, भाड़ में गया तू बहन का होगा तो अपने घर बैठ। जीजा से भी कहा, जीजा तूने भी 5-6 पैदा किए हैं, एक भांजा नहीं रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मामा की जान बचाओ। जीजा ने भी सफाई